सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रिनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग के यूपी टेट के रिजल्ट को लेकर के पीएनपी सचिव ने क्या कहा है और जो आगामी शिक्षक भर्ती है वो कब तक उसका जो जियो है वो जारी होगा। ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको पूरा देखिएगा आप लोग। और सुपर टेट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस आपको चाहिए, आपके लिए सारी वीडियोस हमने बना रखी है। कौन कौन सी बुक्स परचेज करें, कैसे बिना कोचिंग के तैयारी करें, सेल्फ स्टडी कैसे करें, कितने घंटे पढ़ाई करें, कौन से विषय को कितना समय दें, इन सारी वीडियोज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं यूपी टेट के परीक्षा परिणाम की। दोस्तों, आप लोग को पता ही है कि आप लोगों ने अपना एग्जाम 23 जनवरी को दे दिया था और रिजल्ट आपको पता है कि 25 फरवरी को पीएनपी की तरफ से बताया गया था कि 25 फरवरी को आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक आप देख सकते हो कि अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। उसका रीजन ये है कि बीच में चुनाव आ गए थे और आप लोग को ये भी पता है कि पीएनपी की तरफ से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था कि आप लोग का जो परीक्षा परिणाम है उसको जारी करने की अनुमति दी जाए, लेकिन शासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली। यहाँ पर सारी चीजें वही लिखी हुई है, तो यहाँ पर आप देखिए स्पष्ट रूप से फिर से एक बार पीएनपी सचिव ने क्या कहा है वो आप लोगों के लिए ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। पीएनपी सचिव ने बताया है कि भेजे गए प्रस्ताव की तिथि बीत चुकी है, अब शासन जो तिथि निर्धारित करेगा उसी अनुरूप अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने के बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो भी तिथि निर्धारित की जाएगी आप लोग के रिजल्ट के लिए, उसी तिथि पर सबसे पहले आप लोगों का जो संशोधित उत्तर कुंजी है यानी कि रिवाइज आंसर की है वो जारी होगी और उसके बाद फिर आप लोगों का फाइनल जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से पीएनपी सचिव ने कहा है कि आप लोग का जो परीक्षा परिणाम है वो तैयार कर लिया गया है। तो ये आप लोग के लिए एक अच्छी खबर है कि आप लोग का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल तैयार है, बस शासन की अनुमति की आवश्यकता है और आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर बात आती है नई शिक्षक भर्ती की। तो नई शिक्षक भर्ती के विषय में ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था, फिर भी बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जो पूछ रहे हैं, बहुत सारे हमारे भाई बहन जो लगातार कमेंट कर रहे हैं। तो मैंने स्पष्ट रूप से आप लोगों को पहले ही बताया है कि अप्रैल या मई में जो शिक्षक भर्ती है उसका विज्ञापन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि नई सरकार के गठन के बाद पूरी उम्मीद थी कि वैकेंसी जारी की जाएगी। और यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे भाई बहन है वो ये भी पूछ रहे थे कि वैकेंसी कितनी आएगी। तो पूरी उम्मीद है दोस्तों कि जो वैकेंसी है वो 51,000 पद से ऊपर पद होंगे इसमें, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि 51,000 से ऊपर पद हैं खाली उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों के। ये ऑलरेडी उत्तर प्रदेश सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में माना है, एक्सेप्ट किया उन्होंने। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि वैकेंसी बड़ी आएगी। आप लोग अपनी तैयारी बेहतर करते हुए चलिए और सारी की सारी सुपर टेट की जितनी वीडियोज है सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और कुछ कौन कौन सी बुक्स खरीदनी है वो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। मैंने खुद कई बार आप लोगों को बताया है उस वीडियो के बारे में और वो वीडियो आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करिएगा और पूरी उम्मीद है दोस्तों कि अप्रैल या मई में आप लोगों को देखने को मिल जाए विज्ञापन। इसीलिए लगातार हम आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं शिक्षक भर्ती को लेकर के, ताकि आप लोग की जो तैयारी है वो बेहतर होती रहे। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और यहाँ बगल में घंटी का निशान बना होगा सब्सक्राइब बटन के, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती है, इससे आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को कॉलेज के ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा और जहाँ कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए, चैनल से सही बने रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और ऐसे चैनल से बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।